नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि और आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की ऐसी नाश्ता रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ जो कि सॉफ्ट तो बनता ही है और बनाने के लिए भी एकदम आसान है और कम से कम समय में बनता है। तो फिर चले बिना देर किए वीडियो शुरू करें। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले गाजर को कद्दूकस करके लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोस्तों गाजर को छोटे वाले कद्दूकस से ही कद्दूकस करके लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस नाश्ता रेसिपी को बनाने के लिए दो मीडियम साइज के गाजर को कद्दूकस करके लिया है। तो अभी इसे उठा के हम चलते हैं किचन के ओर। इधर हम पैन में एक छोटा चम्मच तेल डाल के गर्म करके लेंगे और तेल हल्का सा गर्म होने के बाद जो हमने गाजर को कद्दूकस करके लिया था उसे पैन में डालकर रोस्ट करना है। इस समय हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर इसमें लगातार 30 से 40 सेकंड तक चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कच्चापन भी निकल जाए। ये देखो आप, ये एकदम बढ़िया रोस्ट हुआ है। अभी इसे गैस पर से उतार के एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे और बाद में ये थोड़ा ठंडा होने तक इंतजार करना है। और ठंडा होने के बाद हमें इसमें डालना है लगभग आधा कप बेसन और बारीक कटा हुआ एक छोटा टमाटर। अब डालना है बारीक कटा हुआ आधा प्याज, ये है बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची। अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे और बाद में आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालकर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। अब स्वादानुसार नमक डाल के पहले हम इसे मिक्स करके देखेंगे और बाद में जरूरत के हिसाब से पानी डालकर बैटर बनाएंगे। तो अभी इसमें डालते हैं पानी। दोस्तों हमें इस बैटर को न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, हमें तो इस बैटर को चीले के बैटर जैसा बनाना है। तो अब भी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के पहले इस तरह का बैटर बना लीजिए और बाद में यानी कि जब आपको नाश्ता बनाना हो तब थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फिर से बैटर को मिला लीजिए। ये देखिए, हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह का बैटर चाहिए। तो अभी चलते हैं किचन की ओर। यहाँ पर हमें इस तरह का कोई भी पैन या कॉलर वाला तवा लेकर पहले उसे तेल लगाना है। आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हो। अभी एक बड़ा चम्मच बैटर को डाल के बैटर को इक्वली फैलाना है। तो इस समय फ्लेम को मीडियम रखकर पहले इसे 20 से 30 सेकंड तक सेक लेना है और 30 सेकंड के बाद इस पे कद्दूकस किया हुआ चीज डालेंगे। तो ऐसे चीज डालने के बाद इसे एक मिनट तक सेक लेना है। एक मिनट के बाद हम इसे हल्के से फोल्ड करेंगे और एक दो बार अलट पलट के हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लेंगे। हाँ, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ये मजेदार नाश्ता बनके तैयार है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।